बाढ़ के बाद ये पूरा डूब गया था, इधर से भी पूरा का पूरा। तो अब बाढ़ के बाद जो चीज़ें बची हुई हैं, आज लॉकडाउन का 16वां दिन है, लोग अपने घरों पर हैं, बहुत से लोग अपने घरों में बंद है। जनता कर्फ्यू के बाद सभी लोग अपने घरों पे ही हैं, लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन हैं अपने घरों पर ही। आज हम निकले हैं थोड़ा जंगल में विचरण करने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं कि हमारे गांव में जिस तरीके से जंगल लगाया गया है उसकी खूबसूरती क्या है, और आप खुद ही देखिए वीडियो के माध्यम से। ये काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं जंगल में, बहुत ज़्यादा पेड़ हमें शीशम के लग रहे हैं, और किस चीज़ के हैं, अशोक के। बगल में तमसा नदी है और ये इसका नाला है, और इसके बगल में काफ़ी ज़्यादा ये जो ऊंचा गड्ढा है इसके बगल में रास्ता है जो एक बगीचे को कनेक्ट करता है। हम लोग उधर ही तरफ से आए हुए हैं अभी, क्योंकि अब गर्मी के दिन आ रहे हैं तो ये नाला सूख गया है। अगर बरसात का दिन होता तो ये पूरा भरा होता। आज मैं आपको अपने इस पूरे जंगल का टूर करवा दे रहा हूँ छोटे छोटे में, क्योंकि ये जंगल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मुझे लग रहा जंगल 2-3 किलोमीटर में होगा, क्यों? तो आ जाओ। बरसात के समय में ये सब पूरा पानी भरा रहता है। बगल में जो तमसा नदी है उसमें ये नाला जाकर मिलता है। एक बार हम लोग इससे पहले भी आए थे, ये दृश्य बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ऊपर चढ़ते हैं, इधर चढ़े, इधर से। पहले ये जंगल तो और भी ज़्यादा घना होता था, और लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ पेड़ पौधे धीरे धीरे कट रहे हैं। ये बांस के कुछ पौधे हैं, और जंगल का सैर अभी भी है। एक बार ऊँचे से चढ़ जाते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये चढ़ाई भी पूरी हो गई है, और लगभग कई किलोमीटर में जंगल है, बहुत ही मज़ेदार है। एक बार अभी एंटर करेंगे हम दूसरी तरफ से, फिर वहाँ से दिखाएंगे आपको कैसा है। ये जो है बाग है हम लोगों का, बहुत पुराना बाग है, इसमें बहुत से हमारे पेड़ हैं, बहुत से हमारे ग्रामीण के कुछ लोग हैं उनके पेड़ हैं। धीरे धीरे बाग भी अब समय के हिसाब से बहुत से पेड़ कट गए, वरना ये बाग बहुत ही ज़्यादा घना था। लॉकडाउन के बाद चेहरा कुछ ऐसा हो गया है, और बाल बहुत छोटे हो गए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है। तो ये पहले बाग ही था, अब लोग इसे खेती कर रहे हैं इसमें। हालांकि ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ऊसर की है, तो एक दो बार तो इसमें दलहन की खेती होगी, तब जाके ये उपजाऊ कुछ बनेगी। ये बाग में गेहूँ की भी खेती हो रही है, इस तरफ ये पूरा बाग है ना, बाग नहीं जंगल, बाग भी था अब जंगल भी है। तो चलिए चलते हैं अब जंगल के दूसरी छोर की तरफ। ये है जंगल का दूसरा छोर जो मैंने आपको बताया, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जंगल के अंदर जो जो चीज़ें हैं। मुझे तो लग रहा है ज़्यादातर यहाँ पे पहले तो बबूल के पेड़ लगाए हुए थे, पर अभी मुझे हाल में लग रहा है कि शीशम के बहुत छोटे छोटे पौधे हैं, तो इसकी भी पौधवानी हुई होगी। आइए देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। मुझे भी नहीं पता है कि जंगल के अंदर मेनली क्या क्या है, तो मैं तो खुद बहुत ही ज़्यादा दिनों बाद आ रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कुछ समय पहले ही बाढ़ आई हुई थी, और बाढ़ के बाद ये पूरा डूब गया था, इधर से भी पूरा का पूरा। तो अब बाढ़ के बाद जो चीज़ें बची हुई हैं वो अभी पौधे बचे हुए हैं, वही हैं बड़े हुए भी हैं। आ जाइए अंदर की तरफ देखते हैं। वैसे जो है हम लोग तो पेड़ वगैरह पे चढ़ने में काफ़ी एक्सपर्ट हैं और जानते ही भी हैं। मुझे तो तैरने वैसे नहीं आता,
जो कैमरा हैंडल कर रहे हैं उनको आता है तैरने। अभी ये भी कुछ लग रहा है कि नाला ही टाइप लग रहा है, देखते हैं आगे क्या है। आइए आइए, ये आप देख रहे होंगे ये जंगल का रेंज पड़ता है और यहाँ पर बाड़ लगा दिए गए हैं। बाड़ इसलिए लगे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जंगली जानवर भी आते हैं, जिसमें जंगली सूअर तमाम हैं और कुछ जो हमारे पालतू भी हैं उनको लोग छोड़ दिए वो भी हैं। इसके बाद चूँकि लोगों का ज़मीन है उसमें खेती वगैरह होती है तो फसलों को हानि होती है, इसलिए वहाँ पे बाड़ भी लगा हुआ है। आइए दिखाते हैं जंगल की रेंज क्या है। यहाँ पे पौधे लगाए हुए हैं तो इसलिए ज़्यादा पेड़ जो है शीशम के हैं, बबूल के हैं, लेकिन इसके बाद ये जो हम रेंज पार करेंगे इसके बाद जो खुद से ही जंगल बना हुआ है तो उसमें तमाम प्रकार के पेड़ हैं और कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनके नाम शायद आप जानते भी नहीं होंगे और हो सकता है मैं भी ना जानूं क्योंकि मुझे इतना नहीं पता है। हाँ, अगर आपकी नज़र जा रही होगी तो कुछ जानवर चर रहे हैं, मतलब यहाँ के ग्रामीण लोग ही हैं वो कुछ जानवर वगैरह भी चरा रहे हैं। दूसरी बात आपसे ये बतानी थी कि लॉकडाउन जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जैसा कि सब लोग जानते ही हैं इसमें कुछ बताने और सुनाने की कोई ऐसी बात तो है नहीं। लॉकडाउन में घर से ना निकले बाहर तो ज़्यादा अच्छा है और वैसे भी पीएम, देश की जनता और तमाम लोग, सब लोग यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में रहें। आपको विश्वास नहीं होगा कि महज जो भारत में कोरोना जो संदिग्धों की संख्या है वो इतना तेज बढ़ा है। मुझे याद है कि यही 2 हफ्ता पहले या यही कोई 3 हफ्ता पहले कह लें तो 600 या 500 पर आंकड़ा था, अब 10,000 पे है। तो देश की स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। पर डे अभी 500-600 लोगों की संख्या बढ़ रही है, ये मजाक का विषय बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लॉकडाउन में इस समय लापरवाही करेंगे तो जो है बहुत मतलब बेकाबू हो जाएगी। भारत में अगर स्थिति एक बार बेकाबू हुई तो उसे जो है पकड़ पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए सब लोगों की अपील यही है कि आप लोग अपने घरों में रहिए। फिलहाल आइए आगे देखते हैं। अब आप ये पेड़ जब देखेंगे ऊपर की तरफ देख लीजिए, ये पेड़ ढाक का है और ढाक मतलब परास का है। इसके फूल भी मैं दिखा दूँगी, इसका फूल बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। 2-3 पिक्चर मैंने क्लिक की है इसके फूल के, आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इधर देखिए गुलर है, शीशम है, ये अशोक का पौधा है। इधर अगर आप देख सकते हैं तो ये पीछे देखिए, ये हम लोग का बगीचा है जो इसके पहले भी मैंने बताया था, ये पूरा बगीचा है और ये जंगल इसी बगीचे से कनेक्ट होता है। पीछे देखेंगे तो वो रोड है और उसी रोड से तमसा नदी के लिए रास्ता भी जाता है और बैक जाएंगे तो हमारे घर के लिए जाता है। इसमें 4-5 पेड़ जामुन के थे पर समय के हिसाब से धीरे धीरे ख़त्म हो गए, कुछ सूख गए क्योंकि अब यहाँ की ज़मीनें लगातार बंजर हो रही हैं और बंजर ज़मीनों की ये पहचान है कि जब अंदर ही अंदर होती है तो पेड़ धीरे धीरे सूखने लगता है, उकठा रोग भी लग जाता है। तमाम जो पुराने पेड़ हैं उसमें तो अभी यही सबसे बड़ी समस्या हो रही है, जिसमें कुछ आम के पेड़ भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ बचे हुए हैं। और मेरा जहाँ तक अनुभव है 3-4 बागों का मेरे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने पौधे हैं उसमें एक समस्या हो रही है कि वो फल देना बंद कर दे रहे हैं। न जाने क्या समस्या है, हो सकता है मिट्टी की हो सकता है वातावरण की हो, पर है समस्या। जिस परास के पौधे का मैं बात कर रहा था कि उसका फूल बहुत ही मज़ेदार होता है, ये देखिए वो वही फूल है, बहुत ही मज़ेदार। अभी जूम करके मैं आपको दिखा दूंगा कि कितना मज़ेदार है, मुझे तो बहुत ही पसंद आता है हमेशा से ये फूल। वाह, तो जंगल में ये परास का पौधा है ऊपर, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। और इसी के पीछे जो है हम लोग का आहार भी मिल चुका है जंगल में, तूत। ये बगल में तूत दिख रहा होगा, अभी हम आपको सही से दिखाते हैं।
तूत जो है खाया जा रहा है, ये ऊपर चढ़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा पकी हुई तूत है, कुछ लाल लाल तूत हैं देखिए। वैसे इसको सहतूत भी कहते हैं, हमारे यहाँ तो तूत ही कहते हैं। तो फाइनली हम लोग जो है अब जंगल में आ चुके हैं, फिर से लौट रहे हैं अब घर की तरफ। ये देखिए ये पूरा जंगल, और हमारे साथ ये सूरज, ये देखिए सहतूत। अभी मैं आपको दिखा दूंगा बैक कैमरे से, इतना हमने तोड़ लिया घर के लिए क्योंकि हम लोगों ने अब खा ही लिया था पूरा। और ये पूरा बहुत ही बेहतरीन जंगल, ये देखिए। फ़िलहाल इस वीडियो को हम लोग करते हैं ख़त्म। आपको हमने अपने जंगल के जो है टूर को दिखाया, हमारे गांव में जो जंगल है, और ये भी दिखाया कि जंगल में किस तरीके से पौधे हैं, कौन कौन से पौधे हैं। और जो हमारी सबसे बड़ी अपील थी कि लॉकडाउन में आप लोग अपने घरों तक ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें। अब आप सोचेंगे कि मैं कहाँ ट्रैवल रहा हूँ, तो मैं अपने पूरा व्यवस्था के साथ हूँ, मास्क मेरे साथ है, और मैं तो अपने गांव में हूँ, यहाँ ज़्यादा वो नहीं है, फिर भी मैं अपना सुरक्षा जो है उसको चौक चौबंद से हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अगर आप लोग ऐसे एरिया में हैं तो आप लोग ज़रूर बच के रहिए। ये देखिए जहाँ से हम लोगों ने पहले दिन स्टार्ट किया था, वहीं आकर अब इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। चलिए तो आपसे लेते हैं विदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, और हमेशा की तरह अगर आप मेरे फ़ोटोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करिए, वहाँ पे मैं डेली फ़ोटोज़ अपना अपडेट करता रहता हूँ। बाकी बने रहिए, चलिए बाय।